पिछली वीडियो में अकेले रीड किया था विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो अभी हम आएगी प्रयापी और विद एक्सप्लेनेशन। चलो जादू से बुलाते हैं। हे गाइस, आज फिर मैं कैमरा के पीछे हूँ। यूं करूंगा तुम यहाँ पे धुआं लाना और यहाँ पे आना। फिर आप भी बस हाथ हाथ दिखाएगी, भी दिखा रही है निधि। हमने सोचा था यहाँ धुआं ब्लैक ब्लैक आएगा और प्रयापी वो नेक्स्ट वीडियो में हम वो नेक्स्ट वीडियो में आज फिर प्रयापी एक्सप्लेनेशन करवाएगी और मैं रीडिंग करूंगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा असेसमेंट है। पेपर स्टार्ट। 3 चैप्टर हुए नहीं और पेपर स्टार्ट कर दी। दो चैप्टर आएंगे। डोरथी मीट्स द स्केयरक्रो। क्या मतलब? डोरथी आज मिलेगी स्केयरक्रो से। यस। डोरथी वॉक्ड अलोंग द रोड। डोरथी रोड के साथ चल रही थी। रोड चलता तुमने साथ साथ रोड यहाँ पड़ा है उसके साथ साथ ही चलती जा रही। आगे पढ़ो। इट ऑर्नेट ऑफ येलो ब्रिक। क्या? येलो ब्रिक से बना था ये, देखो येलो ब्रिक ब्रिक ए ब्रिक ए ब्रिक। आगे व्हेन शी हैड गॉन सम माइल्स शी नीडेड टू रेस्ट। जब वो थोड़ा बहुत दूर चली गई थी उसको आराम की जरूरत थी। She climbed to the top of the fence. वो जो है फेंस के टॉप वाली साइड पे बैठ गई थी रेस्ट करने के लिए। बैठ गई थी क्लाइंब्ड का मतलब क्या होता है? क्लाइंब कर रही थी उसके ऊपर चढ़ी थी। Yes. बैठ गई भी एक तरह से सही है लेकिन क्लाइंब्ड का मतलब होता है किसी चीज पे चढ़ना। हाँ, चढ़ना। तो टॉप ऑफ द बिसाइड द रोड एंड सेट डाउन हर डॉग। सेट डाउन फुल स्टॉप है। नाउ यू विल स्टॉप। हर डॉग फॉरन से नहीं। सेट डाउन। हाँ, तो क्या हुआ? वो क्लाइंब की, वो ऊपर चढ़ी एंड रोड के बिसाइड रोड के साइड पे जो था और उसके ऊपर बैठ गई। ठीक है, सेट डाउन। देखो आगे आ रहा है। Her dog Toto was also tired. हाँ, क्या है? He उसका dog Toto. देखो Toto. उसका dog साथ लिखा हुआ जो मतलब उसका नाम है। जैसे my brother Ayan is a good boy. तो Ayan का नाम है ये my brother फिर Ayan. तो her dog Toto was also tired. तो ये उसका क्या? उसका कुत्ता भी नहीं ना, वो ले भी तो कर गया होगा ना, मतलब थोड़ा जैसे ले करना मतलब लेटना भी होता है। अच्छा, लेटना। तो वो जो सारे डॉग्स लेट जाते हैं जब थक जाते हैं तो वो इस तरह से ऐसे बैठ जाते हैं ना। हाँ, उनका एक बैठना वो पूरा यूं हो जाते हैं ना पूरा। तो क्या है, वो थोड़ा सा लेट सा गया। He lay down on the ground by the fence. Fence के पास by the fence यानी fence के साथ। जैसे ये देखो रोड से कोई गाड़ी आए उसके ऊपर चढ़ गए। देयर वाज अ लार्ज कॉर्नफील्ड on the other side of the fence and in the field there was a scarecrow. अच्छा, field. Field. क्या है? बहुत बड़ा corn field था। corn क्या है? corn हमारे भुट्टे। हाँ, भुट्टे, भुट्टों के खेत थे। on the other side of the fence. दूसरी side. एक side. ये fence है। fence उसको protect कर रहा है कोई अंदर ना जाए और side में उसके ये सारी जो कॉर्न होते हैं भुट्टे होते हैं उनके खेत हैं। वो भुट्टे लोग लेगी और खाएगी अगर उसको भूख लगी थोड़ी। नहीं, वो ऐसे कच्चे थोड़ी खा सकती है। ऑन द अदर साइड, देखो ये एक साइड है ना, एक साइड पे रोड है फेंस की, दूसरी साइड पे कॉर्न फील्ड है। तो ये बीच में क्या है? फेंस है। और ऑब्वियसली जो आपने कहा वो प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हम देखो, हम
जब हमें पूछा जाए ना, अगर मैं पूछूं आयान आई एम हंग्री, इसका मतलब बताओ, तो तुम ये नहीं कहोगे कि तुम कह रही हो खाना चाहिए, नहीं मैं कह रही हूँ मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। हाँ, तो अब मैं बोलूँगी आई वॉन्ट फूड, तो आप कहोगे कि आप ही कह रही है शी वॉन्ट्स फूड, उसको खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो हम वर्ड्स को थोड़ा इस तरीके से देखते हैं, आप सही कह रहे हो पर जो लिखा है उसकी हम थोड़ा वो देखते हैं। चलो पिक्चर में देखा जाए तो ऐसा लग रहा है ये ले रही है उनको। हाँ, अगर हमारे पास कुछ कुक करने का ऐसा, वो उससे बात कर रही है, और हाँ बात कर रही है, पर अगर हमारे पास फूड होती है और एक पतली सी लकड़ी होती है, पुराने जमाने में यूज करते थे, कैंप फायर चल जाती है ना, वैसे करके ये लोग भुट्टे के तरीके से पका सकते थे। उंगली रखो यहाँ से, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। डॉर्थी गेज़्ड एट द स्केयरक्रो, डॉर्थी डर गई। नहीं, गेज़्ड मतलब किसी चीज को देखना, टू लुक एट समथिंग, ठीक है, मैं कैमरा पे ध्यान से देखना या उसको एडमायर करना, ये क्या है वाओ, ये क्या है ऐसे। अब यान आपको कह रहा है वाओ आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वाओ आप सब्सक्राइब करें। चलो इट्स हेड वाज अ स्मॉल सैक स्टफ्ड विद स्ट्रॉ। अब क्या है उसका सरू, इतना सा था हमारी इतना नहीं okay. इतना छोटा नहीं था, बस वो स्मॉल मतलब अब हेड तो आपकी बॉडी से स्मॉल ही होता है ना, स्मॉल सैक था वो बना हुआ, पर वो बहुत छोटे होते हैं। इसका फोन यहाँ पे पिक्चर में थोड़ा बहुत बड़ा दिखा रहे, पर अगर रियल लाइफ होते तो थोड़े उनके छोटे होते हैं ना भाई, और छोटे होने भी चाहिए। सैक का मतलब है बोरी, बोरी बिल्कुल छोटे नहीं होता यार वो, बिल्कुल छोटे नहीं कह रहा मैं, थोड़े छोटे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ट्री से उनका काम कम बन जाना चाहिए ना, या टू ट्रीज का, क्योंकि अगर फिर हेड भले छोटा बने उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना क्रोस को, उनको ये स्केयरक्रो ऐसे दिखाते हैं जैसे ये इंसान खड़ा है, इंसान खड़ा है, बोल से टक्का देते हैं। हाँ, तो इससे उनका थोड़ा फेस भी इस तरह से बनाया ना कि क्रोस को लगे कि ये इंसान ही है, ये इंसान ही है। उसका हेड जो था स्मॉल सैक, सैक क्या होता है, सैक होता है बोरी, यस वेरी गुड। उसमें क्या किससे बना हुआ था, उसके अंदर क्या थी, बोरी के अंदर स्ट्रॉस, राइट। उसका मुंह जो था बोरी से बना हुआ था और उसके अंदर स्ट्रॉस भरी हुई थी, राइट। स्ट्रॉ यानी तिनके, तिनके हाँ तिनके, स्ट्रॉ तिनके, तिनके जो तिनके कचरा होता है ना जो फील्ड से आता है, तिनके और ये उनसे वो भर के उन्होंने बनाया हुआ था, सही है। अब आगे Its face was painted on the sack. क्या है? उसका जो head था वो paint हुआ था। नहीं उसका face तो eyes वगैरह ये सब। Eyes. देखो face यानी मुंह आँख नाक ये सब क्या हुआ था? Paint हुआ हुआ था। Paint. Sack पे, ठीक है? बोरी पे। बोरी. Okay. बोर हो रहा हूँ बोरी. It had an old pointed blue hat on its head. क्या है? उसके पास बहुत पुरानी पॉइंट हुई थी ब्लू कलर की हैट थी। हाँ, उसके सर पे, उसके सर पे पॉइंट हुई भी क्या, जो एक देखो एक पॉइंटेड होती है एक बिल्कुल फ्लैट होती है, जो हैट्स होती हैं। तो वो बता रहे किस तरह की हेड थी, पॉइंटेड थी, पॉइंटेड होती तो मतलब यूं पूरी कोन की तरह, कोन की तरह। हाँ, यहाँ ऑन इट्स बॉडी इट वोर, ये क्या लिखा है, इट वोर अ ब्लू सूट, अ ब्लू सूट, वोर मतलब पहनावा, पहनावा मतलब सेकंड फॉर्म ना वेयर की, वोर अ ब्लू सूट ऑफ फेडेड clothes which had also been stuffed with straw. Sure. हाँ, क्या है कि वो ब्लू सूट पहने हुआ था, सूट पहना था ये रखो, ब्लू 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 सूट पहना था जो फेड हो चुका था, जो उसका कलर जैसे जब पुराने कपड़े हो जाते हैं उनका कलर हल्का हो जाता है ना, हल्का हल्का हो जाता है। हाँ, वो फेड हो चुका था, उस पे उन्होंने पेंट किया होगा ना, इसलिए थोड़ा सा डार्क, पेंट नहीं किया है वो कपड़े ही थे।
कपड़े वो बोल रहा है ना क्लोथ ब्लू सूट जो फेड हो चुका था यानी वो पुराना था हाँ which had also been stuffed with straw उसमें भी straws भरे हुए थे ताकि वो body का shape पूरा आए अब आगे on the feet were some old boots क्या है on the feet पैरों पे कुछ पुराने ये कुछ पुराना हो गया है कुछ पुराने बूट्स थे कुछ पुराने जैसे बूट्स होते हैं कोई बहुत ओल्ड हो जाता है उसका एक ही बूट होता है वो फिर एक ही नहीं था तो ये देखो फीट कह रहा है वो फुट नहीं कह रहा अगर फुट कह रहा होता तो मतलब एक फुट पे फीट यानी दोनों पे था तो यानी दोनों पे है सम वो इसलिए कह रहा है कि कुछ पुराने अब वो बता नहीं सकता कि 3 साल पुराने 4 साल पुराने अब कोई चीज़ हम आपसे पूछते हैं कि कितनी है तो आप कहोगे कुछ है पता नहीं कितने कुछ है सम है हाँ तो सम ओल्ड बूट्स कुछ पुराने बूट्स थे ठीक है ओके द स्केयरक्रो वाज टाइड टू अ टॉल पोल टाइड यानी बंधा हुआ था टू अ टॉल जैसे हम लोग कोई लीड होती है मतलब कोई चीज ऐसे पकड़नी होती है तो हम लोग रस्सी से यूं करते हैं और बांध देते हैं ना वैसे हाँ लंबा सा पोल था जिससे वो बंधा हुआ था इट वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न हाँ अब बर्ड्स को क्यों था वो वहाँ पे वो भगाने के लिए था और उनको स्टॉप करने के लिए किस चीज से स्टॉप करने के लिए राइप जो कॉर्न्स थे फार्मर के उनको ताकि वो ना खाएं यस खा लेते हैं ना जब कोई फील्ड उगाता है तो उनकी सारी मेहनत चली जाती है व्हाइल डॉर्थी वाज लुकिंग एट द पेंटेड फेस ऑफ द स्केयरक्रो शी वाज सरप्राइज्ड टू सी One of the eyes slowly wink at her. क्या है उसकी जो आईज थी वो थोड़ी सी ऐसे बंद हुई खुली ना विंक आंख मारी आंख हमारी उसने विंक मतलब होता है आंख मारना जब डोरोथी उसको देख रही थी तो वो सरप्राइज हो गई ये देख के कि वो उसको आंख मार उसने एक आंख से उसको एक आंख मारी विंक किया जैसे मैं आप लोग का अंक मारूँ ताकि आप सब्सक्राइब करो She thought she must have imagined it. यानी उसने सोचा ये मुझे उसने सोचा कि मुझे ऐसे ही तो दिमाग में आया होगा ऐसे लग रहा होगा मेरा ख्याल होगा मेरी इमेजिनेशन होगी जो चीज रियलिटी में ना हो लेकिन हमारे जैसे हम लोग सपनों में ऐसा होता है वैसे कभी वहम हो जाता है कि मेरे को ये चीज नजर आ रही है सामने बोतल की आंखें नजर आ रही है वहम होता है ना हमारा देन द स्केयरक्रो नोटेड इट्स हेड टू हर इन अ फ्रेंडली वे उसने अपना हाथ वो सर ऐसे किया फ्रेंडली में दोस्ती जैसे दोस्ताना अंदाज में उसने डोरोथी पे अपना सर नोट किया वेरी गुड डोरोथी क्लाइम डाउन फ्रॉम द फेंस एंड वॉक्ड अप टू इट क्या है डोरोथी अपने जो फेंस पे थी बैठी थी उससे उतरी और उसके ऊपर चढ़ी उसके ऊपर नहीं वॉक्ड अप टू इट यानी उसकी तरफ गई उसकी तरफ चली आगे टोटो रैन अराउंड द पोल एंड बार्क टोटो ने क्या किया डॉगी था टोटो उसने उस पे बार्क किया पोल जो था उस पे गुड डे सेड द स्केयरक्रो क्या मतलब है अच्छा दिन उस स्केयरक्रो ने कहा अच्छा दिन यानी किसी को विश करना कि यार तुम्हारा अच्छा दिन रहे
गुड डे, जैसे गुड मॉर्निंग कहते हैं ना उसी तरह गुड डे. गुड मॉर्निंग मीन्स हाँ तो गुड डे. गुड डे. यू डिडंट जस्ट स्पीक, डिड यू? आस्क्ड द गर्ल इन वंडर. उसने क्या पूछा? उसने पूछा है कि तुम अभी भी बोले? वो भी इतने अच्छे में उसने बोला. नहीं नहीं ऐसे नहीं बोला. उसने वंडर मतलब अमेज्ड होके क्या क्या हाँ ऐसे बोला. तुमने अभी बोला तो नहीं ना क्या नहीं, बोला क्या आपने कुछ कहा नहीं ना इस तरीके से उसने कहा. यू डिडंट जस्ट स्पीक, आपने अभी बोला तो नहीं ना क्या आपने क्या बोला क्या कहा आपने. डिड यू हाँ तो वो यू डिडंट जस्ट स्पीक डिड यू टेनली सर टेनली बिल्कुल हैरानी वंडर मतलब होता है हैरानी अमेजिंग. हाँ सर्टेनली सर्टेनली का क्या मतलब क्या है बिल्कुल बिल्कुल बेशक. हाँ आंसर दास कह रहे हो हाउ डू यू डू क्या कह रहा है तुम कैसे हो. अब आगे आई एम प्रीटी वेल थैंक यू मैं बहुत अच्छी हूँ थैंक यू. आगे रिप्लाइड डॉर्थी पोलाइटली राम राम से अच्छे से उसने कहा रिप्लाई दिया. उसके क्वेश्चन का हाउ डू यू डू तुम कैसे हो. आई एम बोर्ड सेड द स्केयरक्रो मैं बहुत बोर हूँ मैंने कहा. स्केयरक्रो ने कहा आई एम वेरी बोर्ड आई एम वेरी बोर्ड मैं उदास हूँ मैं बोर हो गया उदास नहीं सरप्राइज नहीं कर रहे मैं बोर हो बोर हो गया हूँ एक ही काम कर करके क्योंकि आप सब्सक्राइब भी नहीं करते भाई क्यों सब्सक्राइब करो. It is very dull being stuck up here night and day to scare away crows. क्या है? यहाँ पे मैं बैठे बैठे stuck हुए हुए रात और दिन रात stuck हुए हुए बहुत ज्यादा dull हो चुका हूँ. नहीं वो कह रहा है यहाँ पे परेशान हो चुका हूँ. नहीं यहाँ पे ऐसे स्टक रहना अब देखो वो कहीं जा नहीं सकता ना यहाँ पे दिन रात स्टक होना बहुत डल है यानी बोरिंग है कोई कोई एक्साइटमेंट नहीं है. जैसे दौड़ती अगर ऐसे मैं घर में बैठा हूँ ना कोरोना वायरस. हाँ जैसे आप अभी कोरोना वायरस की वजह से घर में बैठे हो ना और मुझे बस घर रहे तो इस वजह से मजे भी आते हैं. हाँ और हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं और अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ काम आ जाता है लेकिन उसके पास देखो कुछ भी नहीं कुछ है. भी नहीं हो सिर्फ एक जगह वो कुछ अगर निकल भी जाए वहाँ से तो हिल भी नहीं सकता यहाँ तक. और वो सिर्फ एक ही काम करता है वो क्या है क्रोस को स्केयर करना. स्केयर करना ऐसे खड़े रहना और वो तो कभी वैसे ही नहीं बोल सकता. वो से बना है तो उसको कोई कर भी नहीं सकता. Can't you get down? क्या आप नीचे नहीं आ सकते? पूछ रही हूँ. हाँ. Asked Dorothy. Asked Dorothy. Dorothy ने पूछा. Yes. No, this pole is stuck up my back. No, नहीं. यानी मेरे बैक से वो स्टक हुआ हुआ है. स्टक हुआ हुआ है. Please help me get down. प्लीज मुझे बचाओ नीचे आने में हेल्प करो. बचाओ नहीं बोल रहा. नहीं हेल्प करो मदद बचाओ नहीं कह रहा मदद करो. मैंने गलती से कह दिया. ही वॉज क्वाइट लाइट बिकॉज मैं भी लाइट हो गया. ही वॉज ओनली स्टफ्ड विथ द विथ स्ट्रॉ. क्या है ही वॉज क्वाइट लाइट उर्दू में बता. बहुत ज्यादा हल्का था. Yes. आपके उसको ये चीज मेरी यहाँ पे ऊपर बड़ी है मैं उठा के इसको नीचे रखूंगा कि मुझे यूज करनी है तो मैं निकाल सकूँ. मेरी स्टेशनरी बॉक्स सामने पड़ा होता है मैं उठाता हूँ यहाँ रखता हूँ फिर निकालता हूँ. Yes, इसी तरह सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. सेट हिम डाउन ऑन द ग्राउंड. चलो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू आपका क्या आपने शुक्रिया शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया. यस वेरी गुड बहुत शुक्रिया. शुक्रिया वो क्यों कर रहा है
क्योंकि उसने उसको नीचे उतारा था। स्केयरक्रो ने कहा, आई फील मच बेटर, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। yes. Dorothy was so surprised to hear a straw man speak. वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई कि एक स्ट्रॉ मैन, टंकों का बना हुआ मैं बंदा स्पीक कर रहा है। Hear a straw man speak. The scarecrow stretched and yawned. Yawned. इसको ऊपर कर। ये निकला और जैसे ऐसे करते हैं ना हम लोग सुबह सुबह उठते हैं। ऐसे किया? ऐसे करते हैं ना हम लोग भी। यस। यॉन ली और स्ट्रेच किया। प्रापी प्रापी वो ऐसे करता है। Who are you? आप कौन हो? Ask the scarecrow. The scarecrow ने पूछा। And where are you going? आप कहाँ जा रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो? My name is Dorothy, said the girl. And I am going to. And I am full. I am going to Emerald. To the Emerald City. क्या है? जो Emeralds होते हैं उनकी एक city हैगी, उस नाम है, एक city का नाम है Emerald City. वहाँ पे जा रही है Dorothy. I am going to ask the Great Owls to send me back home to Kansas. ये एक शहर है, इसका नाम है Kansas. Where is the Emerald City? Said the Scarecrow. Emerald City कहाँ है? Scarecrow पूछ रहा है. And who is Oz? ये Oz कौन है भाई? Why don't you know? She replied in surprise. तुम क्या नहीं जानते? सरप्राइज में उसने बोला, हैरान होके बोला, उसने सरप्राइज में, वो सरप्राइज हो गई कि हैं आपको नहीं पता? जैसे कोई चीज मुझे नहीं पता होती तो आप कहते फिर आप ही, आपको ये नहीं पता, मुझे भी ये पता है। हाँ, जैसे मैं कभी गेम में कहता हूँ भाई तुमको ये नहीं पता है ना, वैसे भाई तुम्हें ये नहीं पता? हाँ। No, I didn't. अच्छा, इसमें why भी, क्यों आपको नहीं पता? क्यों आपको नहीं पता? सरप्राइज। अब आगे।